हेल्थ संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। गुड मॉर्निंग, आज की इस वीडियो में बात करते हैं गैनिकोमेस्टिया की। गैनिकोमेस्टिया होती क्यों है और इसका इलाज क्या है। आज के इस वीडियो में पूरी बात आपको ठीक से समझ में आ जाएगी, तो आप पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक देखिए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गैनिकोमेस्टिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि हार्मोन के असंतुलन के कारण पुरुषों का स्तन बढ़ने लगता है। महिलाओं के शरीर में अधिक मात्रा में इस्ट्रोजन तथा कम मात्रा में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। जो महिलाएं हैं उनके शरीर में अधिक मात्रा में इस्ट्रोजन पाया जाता है तथा कम मात्रा में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। पुरुषों में जस्ट इसका उल्टा होता है। पुरुषों के शरीर में न्यूनतम मात्रा में इस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है जबकि अधिक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। इस तरह से इस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए जरूरी हैं। महिलाओं में इस्ट्रोजन की जरूरत पड़ती है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की जरूरत पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली अगर महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ जाएगा तो दाढ़ी मूंछें जैसी समस्याएं आने लगती हैं, और पुरुषों में अगर इस्ट्रोजन बढ़ गया तो गैनिकोमेस्टिया हो जाती है। तो देखिए, जब भी पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन इस्ट्रोजन का स्तर असंतुलित हो जाएगा तो गैनिकोमेस्टिया हो सकती है ना। यानी जब भी टेस्टोस्टेरोन और इस्ट्रोजन का स्तर असंतुलित होगा तो समस्या आ सकती है गैनिकोमेस्टिया की। खास बात, गैनिकोमेस्टिया कोई बीमारी नहीं है, बस अपने आप ठीक हो जाएगी अधिकतर केसों में। कुछ केस में ठीक नहीं होगी तो उन्हीं सबको दवा लेने की जरूरत पड़ती है। गैनिकोमेस्टिया में इस्ट्रोजन का स्तर अधिक तथा टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है। जब भी पुरुषों में इस्ट्रोजन का स्तर अधिक होगा ना और टेस्टोस्टेरोन का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसी अवस्था में गैनिकोमेस्टिया उत्पन्न होती है। गैनिकोमेस्टिया एक सीरियस बीमारी नहीं है, ज्यादा दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा दुखी होंगे हार्मोन उतना ज्यादा इम्बैलेंस होगा, और हार्मोन जितना ज्यादा इम्बैलेंस होगा बीमारी बढ़ने की उतनी ज्यादा संभावना होगी। तो खास बात, दुखी ना हो, सीरियस बीमारी नहीं है, ठीक हो जाती है। नवजात बच्चों का स्तन बढ़ने का कारण मां के शरीर में बढ़ा इस्ट्रोजन जिम्मेदार है। अगर नवजात बच्चों में स्तन बढ़ गया है तो उसके लिए मदर के शरीर में जो इस्ट्रोजन बढ़ा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। खास बात, जन्म के 3 से 5 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर नवजात शिशुओं में गैनिकोमेस्टिया है तो अपने आप ठीक हो जाएगा ये। और अगर प्यूबर्टी में गैनिकोमेस्टिया होने पर 8 से 24 हफ्ते में ये भी स्वतः ठीक हो जाता है। यानी चाहे प्यूबर्टी में हो चाहे नवजात बच्चों में हो, गैनिकोमेस्टिया अधिकतर केस में ऑटो रिजॉल्व हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। केवल कुछ केस में ठीक नहीं हो पाता, उन्हीं के लिए आपको होम्योपैथिक दवा लेनी है, अदरवाइज ये बहुत आसानी से अपने आप स्वतः ठीक हो जाएगा। तो पहली दवा है थूजा ऑक्सीडेंटालिस 200 पावर की, डेली सुबह 4 गोली या 2 बूंद जीभ पर रखें। दूसरी दवा है कालीम्योर 6x, ये टेबलेट्स के फॉर्म में आता है, तो डेली 4 टेबलेट्स जीभ पर दोपहर और शाम को लेना है ना। यानी इसको आपने सुबह ले लिया 4 गोली या 2 बूंद, और इस वाली दवा को दोपहर और शाम को ले लीजिए। अभी जो तीसरी दवा है योमिनम क्यू मदर टिंचर है, लिक्विड फॉर्म में आता है, तो डेली 3 टाइम 20 बूंद 1 कप पानी में डालकर लीजिए। तो इन 3 दवाओं से
जो गायनेकोमेस्टिया की जो समस्या है वो निश्चित ठीक होगी। तो इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। उल्टे सीधे वीडियो शेयर करने से अच्छा है कि काम का वीडियो शेयर करें, तो जानकारी लोगों की बढ़ेगी, तो आप अपने से भी इलाज कर सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, तो प्लीज आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर।